पटना चलते हैं, वहां पर हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार। संजय जी सवाल पूछिए। हेलो जी संजय जी सवाल पूछिए। हेलो संजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर मेरे पास दो स्टॉक है। सवाल पूछिए। जी कैंप के 31 शेयर है सर, 3802 रुपए के प्राइस पे हमने बाई किया था, लगभग सर दो साल से ज्यादा हो गया। और डॉक्टर लाल पैथ लैब सर 59 शेयर है, 2810 रुपया के रेट पे, दोनों में सर क्या करना चाहिए? ओके, और दोनों में आपका नजरिया क्या था, लंबी अवधि का? नहीं सर शॉर्ट टर्म का ही था, बट जब हमने बाय किया तो सेम डे वो सर वो प्राइस डाउन हो गया। तो संजय जी जब आपने छोटी अवधि के लिए लिया था और आपको होल्ड करते हुए एक साल हो गया? लगभग सर दो साल हो गया। दो साल हो गया, तो आपने जब छोटी अवधि के लिए लिया तो आपको निकल जाना चाहिए था, इतना समय आपने क्यों दिया? सर हमें लगा कि ऊपर जाएगा तो लॉस बुक नहीं करना चाह रहा था इसलिए। ओके, तो राजेश सर कैंप्स अच्छी चीज क्या है कि दोनों शेयर अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। राजेश सर आपकी राय, कैंप्स इन्होंने खरीद रखा है करीब 3802 रुपए के दाम पर, और डॉक्टर लाल पैथ लैब खरीद रखा है इन्होंने कहीं 2800 रुपए के दाम पे, दोनों में इन्हें घाटा है और क्योंकि लॉस नहीं बुक करना है भले ही वो छोटी अवधि हो या लंबी अवधि हो। सो अब मतलब छोटी अवधि से लंबी अवधि के निवेशक बन गए, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकी होती है कि मैं लॉस नहीं बुक करूंगा, मुझे थोड़ा इस पे कुछ कहना है। देखिए हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो लोग प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन लॉस और आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस इसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं, सिर्फ से ये सब लोग टारगेट के ऊपर ध्यान देते। आप मेरे दोस्तों की भी बात है, अगर उनको मैं कभी हम लोग बात करते और कभी हम लोगों ने कुछ चीज बोल दी उनको कि ये टारगेट अच्छा लगता है तो वो उनको हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं, लेकिन वो कभी सुनते नहीं, वो सिर्फ टारगेट के ऊपर उनका फोकस होता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, आप बाजार में काम करने वाले हो, तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर जैसे कि उन्होंने कैंप्स की बात की, दो साल से अटके पड़े, ये तो ब्याज खाते का ही नुकसान हो गया उनका, जो ब्याज है उसी का नुकसान हो गया। तो उससे अच्छा अगर आप छोटा एक स्टॉप लॉस रखते तो वही पैसा आप कहीं और लगा सकते थे, वही पैसा कहीं और सेक्टर में डाल सकते, जैसे डिफेंस सेक्टर था पिछले दो सालों में अच्छा किया। तो आपको इस चीज के ऊपर लोगों को भी सोचना चाहिए। तो अगर कैंप्स की बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए सुमित जी 3567 चल रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई यानी करीबन 4000 के आसपास एक बार के लिए जाएगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। अभी इस बार मत भूलिए 3450 का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को होल्ड करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।